गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में निमेटोड के बारे में पढ़ेंगे। तो निमेटोलॉजी ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की, जो डील्स करता है एक डाइवर्स ग्रुप के साथ, जिसमें राउंड बॉम्ब्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं निमेटोड। और ये पूरी दुनिया में, विश्व भर में ये पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी एनवायरमेंट हो, चाहे वो समुद्र हो, ओशन हो, या माउंटेन्स हो, या टेरेस्ट्रियल हो, लैंड्स वगैरह हो, ये हर जगह पाए जाते हैं। अब हम जो निमाटोड्स हैं उसको यूरोप में ईल वॉर्म्स कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में इसे नीमास कहते हैं, और जो जूलॉजिस्ट हैं वो उसे राउंड वॉर्म कहते हैं। तो बहुत सारी जो स्पीसीज है वो इम्पॉर्टेंट पैरासाइट होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है जो कि बेनिफिशियल होती है एग्रीकल्चर के लिए, एनवायरमेंट्स के लिए। तो जो निमेटोलॉजी की ब्रांच है जो डील्स करती है प्लांट पैरासाइट्स के साथ, ठीक है, जो डील्स करती है प्लांट्स में जो पैरासाइट्स है उनके साथ डील करती है, उसको हम बोलते हैं फाइटो निमेटोलॉजी। फाइटो का मतलब प्लांट और निमेटोलॉजी। तो ये कहाँ कहाँ, ये जो निमाटोड्स हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो या वाटर हो, दोनों में ही पाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सॉइल में क्या होता है कि प्लांट पैरासाइटिक स्पीसीज है, उससे हम वो अराउंड 17 feet डेप्थ तक हमें मिलता है, और 1 gram जो सॉइल है उसमें 108 निमाटोड्स प्रेजेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के निमाटोड्स उसमें प्रेजेंट्स होते हैं, 108 निमाटोड प्रेजेंट होते हैं। तो अराउंड 3000 अभी तक स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है निमाटोड में, जिसमें 50% जो समुद्र स्थल है, मैराइन है, उसमें पाए जाते हैं, 25% फ्री लिविंग है, जो कि आपको सॉइल में भी दिखेगा, पानी में भी दिखेगा, फ्री है, और 15% है जो एनिमल्स पैरासाइट्स है, जो एनिमल में कॉज करते हैं, और 10% है वो है हमारे प्लांट में कॉज करने वाले प्लांट पैरासाइट्स। कुछ स्पीसीज क्या होती है, वो एंटोपैथोजेनिक होती है, और एंटोपैथोजेनिक होती है, और इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट किलिंग एबिलिटी होती है उनकी पैरासिटिज्म से, तो इनकी इंसेक्ट किलिंग एबिलिटी होती है, ये पैरासिटिज्म के जैसा रोल करते हैं। इसमें है एग्जाम्पल हेटेरोरेबिटिस, इसमें एग्जाम्पल है हेटेरोरेबिटिस एंड हेटेरोरेबिटिस की जो स्पीसीज है डिफरेंट डिफरेंट निमेटोडिस स्पीसीज भी है इसमें, और जो नेम है निमेटोड्स का वो डिराइव हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है इसका नेम, ये ग्रीक वर्ड से हुआ है नीमा। नीमा का मतलब क्या होता है, एक थ्रेड के जैसा, ठीक है, एक थ्रेड के समान स्ट्रक्चर, और ऑइक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म होना, रिसेम्बल फॉर्म होना, तो इसका मतलब होता है एक ना थ्रेड लाइक एक ऑर्गेनिज्म या एक थ्रेड लाइक वॉर्म। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि ये सिर्फ जो लिविंग जो प्लांट वगैरह से है ना, इनमें ये रहते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, उन्हीं में कॉज करता है, उन्हीं में रहता है। अगर प्लांट्स, अगर जैसे प्लांट्स वगैरह ये सब चीज़ें अगर नहीं मिली उसे, तो ये क्या हो जाते हैं, अगर काफ़ी टाइम तक इन्हें नहीं कुछ मिला तो ये मर जाते हैं। तो निमेटोड्स क्या है, ये आइदर ईल वॉर्म की जैसा है, और या नीमा की जैसा, या राउंड वॉर्म की जैसा भी बोला जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट वन है निमेटोड। अब निमेटोड कैसे होते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये पिक्चर्स में, ये होते हैं निमेटोड्स। तो ये जो निमेटोड्स होते हैं ये सर्कल कोलाइड भी होते हैं, राउंड होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं निमेटोड्स, सिलेंड्रिकल होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ये कि दो, अगर आप बीच से कट करते हो तो दो इक्वल पार्टों में ये बाइलेटरली सिमेट्रिकली इक्वल हाफ्स में ये कट हो जाते हैं, ठीक है, सेम हाफ में सेम उसमें कट हो जाते हैं, और अनसेगमेंटेड है, इसमें ना सेगमेंटेशंस नहीं है, एक्सेप्ट एक क्रिकिनिमोई को छोड़ के बाकी किसी में सेगमेंटेशन नहीं है। जैसे कि हम अर्थवॉर्म देखते हैं ना, अर्थवॉर्म की कैसे ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं ऐसे, उसमें उसकी पूरी बॉडी में एक सेगमेंट टाइप की बनी होती है, तो वैसा निमेटोड्स में नहीं होता है, सिर्फ क्रिकिनिमोई जो स्पीसीज है निमेटोड की उसमें होता है, उसमें पाया जाता है सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सूडोसिलोमिक होते हैं,
जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी है जिसके अंदर एपिथेलियम नहीं होता है, विदाउट एपिथेलियम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीन इसकी लेयर्स होती है, जर्म्स लेयर ना, उसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो हम आगे देखेंगे. ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आप नेकेड आई से इसको आप नहीं देख सकते हो, इसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना हो, देख सकते हैं इसे हम. ये बहुत अच्छी से वेल डेवलप्ड इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसका बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड है. जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना इसका, ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है इसका. इवन जो इसका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है. रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है इसमें. लेकिन रेस्पिरेटरी और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो निमाटोड में वो नहीं है. ठीक है, वो ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो निमाटोड्स में प्रेजेंट नहीं है. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन कि एने कॉब ने कहा था कि और जितने भी मैटर्स है ना यूनिवर्स में एक्सेप्ट निमाटोड, ठीक है, तो वे स्वेप आउट अवे आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें क्या होता है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि विदाउट इट वी आर फाइंड इट इन माउंटेन्स, टॉप्स, वैलीज, रिवर, लेक्स, ओशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है फिल्म ऑफ निमाटोड्स के. नेक्स्ट वन है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. तो अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स के. तो जो प्लांट पैरासिटिक निमाटोड्स है वो उसमें क्या होता है, ये ना मोस्टली क्या होता है, ये डिफिकल्ट होता है, मतलब ये मोस्टली डिफिकल्ट पेस्ट है, प्रॉब्लम है जो कि हमारी कंट्री में हमें देखने के लिए मिलता है. ये डैमेज करता है, ये जो जो निमाटोड्स है ये कहाँ कहाँ डैमेजेस करते हैं, ये रूट में करते हैं. ठीक है, रूट्स हो गए, स्टेम हो गया, क्राउन हो गए, लीव्स वगैरह में, बर्ड जो न्यू बर्ड होती है अर्ली बर्ड उसमें कॉज करता है, डेवलपिंग जो सीड्स वगैरह डेवलप होते हैं ना, सीड बॉल निमाटोड्स भी होते हैं तो सीड में भी अफेक्ट करता है, जैसे एंगुलिना ट्रिटिसाई है जो सीड में अफेक्ट करता है. तो इस तरीके से और इनकी इंटेंसिटी जो है ना, इनकी जो डिग्री है डैमेज करने की जो क्षमता जिसे कहते हैं, तो ये बहुत ये ना डिपेंड करती है, एक तो क्रॉप टू क्रॉप पर डिपेंड करेगी, ये कौन सी क्रॉप है उस पर डिपेंड करेगी, प्लस कल्टीवार कौन सा है, उस क्रॉप की वैरायटी कल्टीवार कौन सा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी. और इवन दो ये निमाटोड की स्पीसीज पे कि कौन सी स्पीसीज है जो अफेक्ट कर रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ लेवल क्या है सॉइल का इन्फेस्टेशन, मतलब सॉइल में कितना किस लेवल तक वो निमाटोड सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो कितने अमाउंट मतलब जो कितने वो कितनी पॉपुलेशन उनकी उस सॉइल में प्रेजेंट है, उसके उसके उससे भी उसकी डिग्री ऑफ डैमेज पता चलता है कि वो कितना डैमेज कर सकता है प्लांट को. और साथ ही साथ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इसलिए कि जो निमाटोड होते हैं ना तो इनको ना एक एनवायरमेंट चाहिए होता है कि अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, तो इनको एक एनवायरमेंट चाहिए होता है. तो ऐसा एनवायरमेंट अगर जैसे गर्मियों का टाइम होता है, समर सीजन होता है, तो समर में क्या होता है कि निमाटोड्स मतलब सॉइल समर में काफी हद तक जो अपर की जो लेयर होती है सॉइल की, तो मतलब सॉइल क्या हो जाती है वो वॉर्म रहती है. तो वॉर्म में क्या होता है निमाटोड, हमने अभी देखा था कि निमाटोड पे कोई ये जो निमाटोड्स है तो इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है मतलब निमाटोड में जब गर्म, तो जब गर्म हो जाती है जो लैंड है हमारी, तो हमने ये देखा है कि जो निमाटोड है ना, अभी हमने पढ़ा था कि निमाटोड में जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं है. तो जब वो प्रेजेंट नहीं है तो जैसे अगर लैंड अगर गर्म हो जाती है तो निमाटोड को क्या चाहिए, क्योंकि वो जो जो मॉइस्चर वगैरह वो जो नमी होती है ना सॉइल में, वो उसकी वजह से वो एयर वगैरह मतलब वो रेस्पिर वो करता है, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, तो अपनी जो उसका स्किन है स्किन के थ्रू ही उसका रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है, स्किन के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन करता है प्रोसेस उसका. तो अगर सॉइल ही गर्म रहेगी तो इस वजह से क्या होता है कि निमाटोड्स में जो निमाटोड्स है वो काफ़ी कुछ स्पीसीज जो निमाटोड्स की है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है. अब जो निमाटोड्स है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनुअली बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को क्रॉप प्रोसेस करता है. तो इसमें क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है निमाटोड की इन्फेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जो यील्ड है हमारी वो कम हो जाती है,
और जो यील्ड भी कम होती है साथ साथ क्वालिटी भी पुअर हो जाती है। जैसे कि अगर जैसे वीट में एंजियोनिया टीटीसाइड जो निमेटोड है वो जैसे कॉज करता है तो उसकी सीड पे जो वीट की जो सीड है ना वीट की सीड में वो अफेक्ट करता है, तो उस वजह से क्या हो जाती है क्वालिटी भी पुअर हो जाती है ना। और कभी और ये भी होता है कि जो प्लांट है उसकी हाइट वगैरह स्टंटेड हाइट हो जाती है, फ्रूट वगैरह फॉर्मेशन फ्रूट का नहीं हो पाता है। एनुअल लॉसेस होता है निमेटोड की वजह से पूरी दुनिया में हमने एस्टिमेट किया गया है कि $1,000 बिलियन के करीब पूरे वर्ल्ड में इसके निमेटोड की वजह से लॉसेस होते हैं। और एनुना जो है वो अकेला लॉस करता है उसका सीड, मतलब जो एंटीनिया टीटीसाइड मैंने आपको बताया, तो ये क्या करता है सीड गॉल निमेटोड है, सीड पे गॉल करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एयर पॉकर जो डिजीज होती है वीट में, एयर पॉकर जो डिजीज होती है उसमें ये अफेक्ट करता है। और कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ये जो डिजीज है ईयर पॉकल डिजीज जो कि कॉज होती है एंजिना टेटिसाइड से, ये बहुत ही फेमस डिजीज है और सबसे ज्यादा ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। गोल्डन सिस्ट निमेटोड जो डिजीज है वो गोल्डन सिस्ट निमेटोड है जो वो पोटैटो पे कॉज करता है। और उसका जो स्पीसीज है जेनेरा है वो ग्लोबोडेरा है, ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस, ये है निमेटोड जो कॉज करता है गोल्डन सिस्ट निमेटोड पोटैटो में। और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पे जो पोटैटो ग्रोइंग एरिया है जहाँ पे कि गोल्डन सिस्ट निमेटोड का इन्फेस्टेशन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वहाँ पे इसके इसके बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट पैरासाइट्स हैं निमेटोड के उनके बारे में। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो जो एनिमल जो लॉसेस वगैरह है वो नॉर्थ में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं। और इसमें जो और हाँ सीरियल्स में जो सिस्ट निमेटोड होता है वो हेटेरोडेरा भी होते हैं। हेटेरोडेरा क्या करता है, वो मॉलिया डिजीज कॉज करता है वीट में, हेटेरोडेरा, ठीक है, वीट और बार्ले वगैरह में ये मॉलिया डिजीज कॉज करता है। और साथ ही साथ इसका और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स ग्रोइंग क्रॉप्स है उनमें अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में ये कॉज करता है, ठीक है, राजस्थान में हमने एस्टिमेट किया गया राजस्थान में कि 32 मिलियन तक जो वीट है उसमें ये वीट और बागले वगैरह में ये कॉज हुआ है इसकी वजह से। तो इस तरीके से निमेटोड कॉज करता है। इवन तो साउथ में भी आप देख सकोगे कि जो ये ग्लोबोडेरा है ये साउथ में सीरियस प्रॉब्लम है, नीलगिरी वगैरह कोडाईकनाल जो हिल्स वगैरह है साउथ में वहाँ पे इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये है रूट नॉट लीजन जो निमेटोड है जिसको हम प्रेटिलेंकस बोलते हैं वो भी एक सीरियस पेस्ट है, कॉफी का पेस्ट है, वो भी हमें साउथ इंडिया में मिलता है देखने के लिए। तो मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पे निमेटोड नहीं मिलते हैं हमें देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे कि जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है ना ये क्लासिफाई किए गए हैं 2 ग्रुप में और ये बेस्ड है उनके प्लांट पार्ट में, जिस पार्ट में मतलब जहाँ पे वो डैमेज कर रहे हैं उसके बेस पे ये क्लासिफाइड किए गए हैं। तो अगर ग्राउंड के ऊपर कर रहे फीड, अब वो थी ग्राउंड फीडर है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सीड बॉल निमेटोड आता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोनिया टीटीसाइड, लीफ एंड बर्ड निमेटोड आता है जिसको बोलते हैं एफ्लेरेंकॉइड्स, स्पीसीज बोलते हैं, स्टेम और बर्ड निमेटोड होता है डायलेंकस स्पीसीज होता है, डेटिलेंकस स्पीसीज बिलो, अगर ग्राउंड के नीचे फीड है, ठीक है, अगर वो ग्राउंड के नीचे फीड करता है तो वो होता है बेस्ड होता है उनका फीडिंग मोड के हिसाब से। अगर आप ग्राउंड के नीचे अगर वो फीड कर रहा है प्लांट में तो वो फीड करता है ग्राउंड के नीचे अगर है तो उसके फीडिंग हैबिट्स डिवाइड किए गए हैं 3 ग्रुप्स में, ठीक है। तो पहला ग्रुप है एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट और सेमी पैरासाइट्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एंडो पैरासाइट, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो इनसाइड जो प्लांट मतलब जो निमेटोड इनसाइडली कॉज करते हैं वो कैसे होते हैं, जो अंदर घुस के मतलब प्लांट में अंदर घुस के वो कॉज करते हैं इन्फेस्टेशन करते हैं, ठीक है। तो वो है उसमें एंडो पैरासाइट में भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिडेंट्री टाइप्स होते हैं और मैंडेटरी माइग्रेटरी टाइप्स के होते हैं।
माइग्रेट करने वाले, ठीक है। सेडेंटरी टाइप्स में क्या होता है, रूट नॉट निमेटोड होते हैं जिसको हम मेलोडोगाइनस फिसिस कहते हैं। सिस्ट फॉर्मिंग निमेटोड होता है जिसमें हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा है। मैंने आपको बताया था ग्लोबोडेरा, जो ग्लोबोडेरा है वो किसमें कॉज करता है, जो सिस्ट निमेटोड है वो कॉज किसमें करता है, पोटैटो में कॉज करता है। तो ये कैसे होते हैं, ये सेडेंटरी टाइप होते हैं, ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये इनसाइड अंदर अंदर प्लांट के अंदर घुस के ये कॉज करता है। वैसे ही रूट नॉट निमेटोड है, ये मेलोडोगाइनस जीनस जो मेलोडोगाइनी है ये बहुत सारे क्रॉप्स में अफेक्ट करते हैं। ये पॉलीफेगस है, जो मेलोडोगाइनी है ये पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस का मतलब होता है चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, ऑर्नामेंटल्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, या फिर वो फ्लोरिकल्चर प्लांट्स हो, एवरी प्लांट्स, मतलब हर एक प्लांट में ये कॉज करता है डिजीज, ठीक है। और कुछ कुछ निमेटोड ऐसे भी होते हैं जो प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, कि वो मतलब वो सिर्फ ना कुछ ही क्रॉप्स में और कुछ ही प्लांट्स में ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है माइग्रेटरी। तो माइग्रेटरी जो निमेटोड से जो माइग्रेट करते हैं वो है लीजन निमेटोड, जिसको हम प्लैटीलेंकस फिसिस कहते हैं। तो जो ये लीजन निमेटोड है जिसको हम प्लैटीलेंकस फिसिस कहते हैं, तो ये जो ये कॉज करता है जो कॉफी है, जो कॉफी है तो कॉफी पे ये अफेक्ट करता है। प्लैटीलेंकस फिसिस है जो ये कॉफी पे अफेक्ट करता है, और मेजरली ये साउथ इंडिया में हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन क्या है, बोरोइंग निमेटोड। तो ये ना बोरोइंग निमेटोड होता है, ये क्या इसमें क्या इसमें है, रोडोफोलस सिमिलीज। तो जो बोरोइंग निमेटोड है ना ये कॉज करता है बहुत सारे फूड क्रॉप्स को, स्पाइसेस को, एग्रीकल्चर प्लांटेशन क्रॉप्स को, वो लेके ट्रॉपिकल कंट्रीज में कॉज करता है, ठीक है, ट्रॉपिकल जो पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। और इसी की वजह से, ये बोरोइंग निमेटोड की वजह से ही सिट्रस में क्या हुआ था कि डिक्लाइन होने लग गया था। जो सिट्रस क्रॉप थे ना, जो संतरों की जो फसल वगैरह जो थी, तो वो फ्लोरिडा में यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे ये डिक्लाइन होने लग गई, ठीक है, इसके वजह से। और इसी यही जो बोरोइंग निमेटोड है, ये राइजोम्स के जो रॉट वगैरह है, ब्लैक हेड जो डिजीज है बनाना में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये कॉज करता है। पेपर येलोज में कॉज करता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो निमेटोड प्रॉब्लम आज के डेट में हमने देखी जाती है, इसकी वजह से जो कोकोनट है, एरिका नट है, ब्लैक पेपर है, और बनाना हो गया, बिटल वाइन हो गया इंडिया में, तो इन सब में ये कॉज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन है राइस रॉट निमेटोड। तो राइस रॉट निमेटोड है वो हिस्मैनिला स्पीसीज है राइस रॉट निमेटोड। और उसके बाद है डैगर निमेटोड। तो डैगर निमेटोड किसके वजह से होता है, ज़िफिनिमा स्पीसीज की वजह से होता है। और ये जो ज़िफिनिमा है ना, इसमें एक खासियत ये है कि इस स्पीसीज में क्या होता है, जो इसका स्टाइलेट होता है ना, तो स्टाइलेट कैसे होता है, पॉइंटेड टाइप का स्टाइलेट होता है, काफी लॉन्ग स्टाइलेट होता है ज़िफिनिमा में। ये इकलौता एक ऐसा स्पीसीज, इकलौता एक ऐसा जेनेरा है जिसका जो स्टाइलेट होता है वो लंबा सा होता है और ऐसे लॉन्ग सा स्टाइलेट होता है। ये इसी स्टाइलेट की वजह से आराम से पंचर करता है प्लांट को, ठीक है। बाकी सब में इतना लॉन्ग स्टाइलेट नहीं दिखेंगे जितना लॉन्ग ज़िफिनिमा में होता है। नेक्स्ट वन है सेमी एंडोपैरासाइट। अब सेमी एंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है, हाफ वो इनसाइड कॉज करेगा और हाफ आउटसाइड में। तो इसमें है एग्जांपल सेडेंट्री, और सेडेंट्री में जो ग्रुप है सेडेंट्री हुआ एक, और एक माइग्रेटरी। तो जो सेडेंट्री है वो उसमें क्या है, सिट्रस निमेटोड, सिट्रस में कॉज करने वाला निमेटोड, जिसको हम बोलते हैं टाइलेंकस सेमीपेनिक्रास। तो जो टाइलेंकस सेमीपेनिक्रास है ना, इसको कहा गया है स्लोली डिक्लाइन करना, ठीक है। तो ये ना डिजीज है सिट्रस की, जो जिसकी वजह से ना जो एसोसिएट है, हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना डाइबैक होता है जो डिजीज सिट्रस में, तो उसके साथ ही ये वाली डिजीज ना एसोसिएट है। और इसमें ना बहुत मतलब इसमें सिट्रस का ना काफी वो हो जाता है, जो सिट्रस क्रॉप को काफी अफेक्ट करता है ये। और सिट्रस की जो इल्ड वगैरह है, सिट्रस की इल्ड, वो इस निमेटोड की वजह से बहुत रिडक्शन हो जाती है सिट्रस की इल्ड में। नेक्स्ट वन है रेनिफॉर्म निमेटोड। तो रेनिफॉर्म निमेटोड को हम बोलते हैं
रोटिलैंकस रेनिफॉर्मस। तो जो रेनिफॉर्म निमाटोड है रोटिलैंकस, ये अटैक करती है बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स में और कॉज करती है कंसिडरेबल लॉस को, ठीक है, वेजिटेबल हो गया, पल्सेस हो गए, इनमें ये कॉज करती है। और ज्यादातर ये लॉस करती है कोकोनट हो गया, मेज, जो भुट्टा हो गया, कोकोनट, मेज, मिलेट्स वगैरह, काउपी, इन सब में ये कॉज करती है। और ये निमाटो ये सेकेंड मोस्ट इम्पैक्ट, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट निमाटोड है, किसमें, वेजिटेबल में कॉज करने वाला, किसके बाद, रूट नॉट निमाटोड के बाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो रेनिफॉर्मस निमाटोड है, जो ये रेनिफॉर्म निमाटोड है, तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा वेजिटेबल क्रॉप्स को अफेक्ट करता है वो रूट नॉट निमाटोड, मैंने आपको बताया था अभी, एंडोपैरासाइटिक है, तो रूट नॉट निमाटोड सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद ही जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट निमाटोड है ये जो अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, वो है रेनिफॉर्म निमाटोड। अब नेक्स्ट वन है माइग्रेटरी। तो जो माइग्रेटरी जो माइग्रेट करते हैं सेमी एंडोपैरासाइटिक, वो स्पाइरल निमाटोड, जिसको हेलिकोटाइलेंकस और रोटिलैंकस बोलते हैं, हेलिकोटाइलेंकस और रोटिलैंकस। तो हेलिकोटाइलेंकस नाम से पता चल रहा है, हेलिको यानी कि हेल, मतलब ऐसे ना राउंड इस, जो ऐसे जो इसमें दिवाली के टाइम पे जो चक्री जलाते हैं ना, ऐसे गोल गोल सी होती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही होती है, स्पाइरल निमाटोड होता है। नेक्स्ट वन है स्पाइरल निमाटोड। उसके बाद है ये लांस निमाटोड। तो लांस लांस निमाटोड कोप्लोलैमस से स्पीसीज, स्टंट निमाटोड टैलेंकोरिकस और एंड टैलेंकोरिकस और माइक्रोलिनस स्पीसीज में। नेक्स्ट वन है एंडोपैरासाइटिक। तो जो एंडोपैरासाइटिक है उसमें क्या होता है, उसमें सेडेंट्री इसमें ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि रिंग निमाटोड का मतलब क्या होता है कि जो निमाटोड है ना, उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में ना एक सेगमेंट टाइप्स के फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक है, सेगमेंट टाइप्स के होते हैं, एक्चुअली वो सेगमेंट नहीं होते, ऐसे रिंग टाइप के होते हैं, उनकी क्यूटिकल जो लेयर होती है उस टाइप की होती है, तो लेकिन वो हमें सेगमेंटेशन टाइप के दिखने लग जाते हैं, ठीक है, सेगमेंट टाइप का फॉर्म नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्रिकोनिमा स्पीसीज, क्रिकोनियोरॉइड स्पीसीज। तो जो क्रिकोनिमा स्पीसीज है ये क्या कहते हैं, रिंग निमाटोड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है शेड निमाटोड या हेमी क्रिकोनिमोइड स्पीसीज या हेमी साइलोफोरा स्पीसीज। तो ये है सेडेंटरी टाइप्स के। अब पिन निमाटोड टैटीलैंकस स्पीसीज, पिन निमाटोड में कौन आते हैं, टैटीलैंकस स्पीसीज आते हैं। नेक्स्ट वन है माइग्रेटरी। तो माइग्रेटरी में क्या होता है, नीडल निमाटोड जिसको हम लॉन्जिडोरस बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, और डैगर निमाटोड, ज़िफिनिमा स्पीसीज, स्टबन निमाटोड, ट्राइकोडोरस स्पीसीज, तो ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो निमाटोड है ना, ये पाया गया है कि निमाटोड 3000 होस्ट प्लांट से भी ज्यादा उसको अफेक्ट करते, अटैक करते हैं, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसके वजह से जो प्लांट्स में ना काफी डैमेजेस, मतलब जो परसेंटेज है, जो इल लॉसेस है ना उसमें, ये बहुत ज्यादा देखा गया। और सबसे ज्यादा हम किस में देखते हैं, रूट नॉट निमाटोड की वजह से, जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स में करता है, वेजिटेबल क्रॉप्स में जो रूट नॉट निमाटोड है वो सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। और इन इसमें भी जो रूट नॉट निमाटोड है, इसमें जो मेलोडो वैली में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, और जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली स्पीसीज कौन सी है, मेलोडो वैली इनकॉग्निटा है, जो मेलोडो वैली की जो इनकॉग्निटा स्पीसीज है ना, तो वो सबसे ज्यादा कॉज करती है डिजीज को, ठीक है। और निमाटोड ये ना एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ट्रॉपिकल एरिया और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो कंट्रीज है, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कॉज करती है। और इनका जो और ये जो ये रीजंस है ना, ये रीजंस ना बहुत ही सुटेबल है एक्चुअली इनके रिप्रोडक्शन के लिए और निमाटोड्स की ना एक्टिविटी के लिए, तो इस वजह से ये निमाटोड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और अटैक करते हैं प्लांट्स को। और एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो निमाटोड्स है ये अकेले तो करते ही है, मतलब खुद तो अकेले भी डैमेज करती ही है प्लांट को,
लेकिन एसोसिएट होकर भी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट कर लेना, या फंजाई के साथ कर लेना, या वायरसेस के साथ कर लेना, जो हम लास्ट टाइम में पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लांट में इतना कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हो जाती है, बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है इसकी वजह से, एक कॉम्प्लेक्स उसमें डिजीज हो जाती है प्लांट में। और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंक्रीजेस है ना, लॉसेस है, जो इल्ड है, वो बहुत मतलब काफी होने लग जाती है वेरियस क्रॉप्स में, काफी ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासिटिक निमेटोड्स के हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो निमेटोड्स है ना, उसका उसमें क्या होता है, वो डायोशियस होता है, ठीक है। डायोशियस यानी कि मेल और जो फीमेल है ना, वो दोनों के दोनों सेपरेट होता है, ठीक है। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, एक ही में नहीं होंगे, ठीक है। और जो इनहैबिटेंट मैराइन है, इनहैबिटेंट मैराइन में ये पाया जाता है, फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल जो लैंड्स वगैरह हैं उसमें पाया जाता है, एनवायरमेंट जो मतलब ये किसी भी एनवायरमेंट में इजीली आपको मिल जाएगा, फ्री फ्री लिविंग्स है ये, ठीक है, फ्री लिविंग पैरासाइट्स है ये। और ये ना, ये जो ये पैरासाइट्स है ना निमेटोड का, ये मेजरली जो सैंडी लोम सॉइल है ना उसको प्रेफर करता है, सैंडी लोम सॉइल जो होती है ना, इसमें ये जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और कैसे होते हैं ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, अनसेगमेंटेड होते हैं, सूडो सिलोमेट होते हैं ये। अब हम देखेंगे ये है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है निमेटोड, ठीक है, ये फीमेल निमेटोड्स है और ये है मेल निमेटोड। तो ये जो फीमेल निमेटोड होती है ना, तो ये बहुत ही इजी तरीके से, मतलब हम इसे बहुत ही इजी तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो इसमें इसमें जो ये निमेटोड्स है, तो ये निमेटोड्स में क्या होते हैं कि ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। तो फीमेल में इनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैसे होते हैं, जनरली ये इलांगेटेड होते हैं, ठीक है, इलांगेटेड है ये, फिर ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, और कभी कभी ये फ्यूजी फॉर्म भी होते हैं, एक ऐसा पियर शेप्स का भी होता है, जो पियर होता है ना, पियर के जैसे शेप में भी होता है, और कभी कभी किडनी के शेप का भी होता है, ठीक है, और वो वैरी करता है, और वो पर्टिकुलरली एडल्ट फीमेल में देखा जाता है, ठीक है, एडल्ट जो फीमेल होती है उसमें देखा जाता है। तो जो इनका जो एंटीरियर जो ये है पोर्शन है ना जो बॉडी का, वो स्लाइटली कैसा होता है कि टैपरिंग टाइप का होता है, ठीक है। और जो ये पोस्टीरियर है ना, जो पोस्टीरियर है इसका, ये कैसा होता है, ये शार्प होता है, ठीक है, ये जो पोस्टीरियर है ये दिख रहा होगा आपको कैसा, ये शार्प है, ठीक है, और एंटीरियर जो होता है वो टैपरिंग टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, इनके जो बॉडी है ये कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनली होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इनकी जो बॉडी है प्रिंसिपल एक्सिस के तरीके से है ना, और ये ना जो इनकी ये बॉडी है ये कैसी होती है, टफ होती है, इनका जो क्यूटिकल टफ क्यूटिकल से होती है ये, और ये सिक्रेट करती है बाय एपिडर्मल सेल से, ठीक है, सिक्रेटेड करती है एपिडर्मल सेल से। और इनका जो माउथ है ना, ये जो आप ये माउथ देख रहे होंगे, ये इसको ये है इनका माउथ, तो ये जो माउथ है इनका ये ओपनिंग है, ठीक है, यूजुअली एंटीरियर जो पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है इनका। और ये अब ये माउथ से इनका एंटीरियर पार्ट स्टार्ट हुआ, ये सराउंडेड होता है लिप्स से, तो लिप्स है ना ये ऐसी ना लिप्स होती है इसमें, तो ये लिप्स से ये सराउंडेड होता है, ऐसे गोल बना हुआ होता है, ठीक है, लिप्स से होता है इसका सराउंडेशन। और फिर ये लिप्स से सराउंडेड होता है, और जो कि 6 होते हैं नंबर में, जो इसके लिप्स है ना ये कितने होते हैं, ये 6 नंबर में होते हैं इनके लिप्स। और जो माउथ है, ये जो माउथ है इनका, इसमें क्या होता है, इसमें जो कैविटी है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रोमा भी बोलते हैं, इसमें इस कैविटी में ये होता है स्टाइलेट, ये जो लंबा सा दिख रहा है ना आपको, ये होता है स्टाइलेट, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको इसी तरीके से, ये होता है स्टाइलेट, ठीक है। और स्पीयर और प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल वॉल है इसका, जो इसका ये जो सेल वॉल है, ये जो स्टाइलेट है ना, ये क्या करता है, जो सेल वॉल होता है ना उसका, जो प्लांट होता है, सॉरी, जो प्लांट होता है ना, तो प्लांट के जो सेल वॉल में ना ये स्टाइलेट ना पियर्स करने के लिए, पियर्स यानी
पंचर करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके थ्रू ये पंचर करता है उसमें, किसमें, जो होस्ट है प्लांट वगैरह उसमें, ये इसके थ्रू ये पंचर करता है और क्या करता है, और वहां से इंजेस्ट करता है फूड, फूड लेता है वो वहां से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो स्टोमा है ये फॉलो होता है किसके बाद, ये इसमें इसोफेगस, ये आप देख रहे होंगे ये पूरा इतना जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये इसोफेगस है। इसमें स्टोमा के बाद ये पायरेंकस होता है, इसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस वगैरह जो ये है ये कंसिस्ट करता है। और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ये क्यूटिकल है ये बाहर वाली लेयर, और ये है इंटेस्टाइन इसका। अब ये जो इंटेस्टाइन है तो इसमें जो इंटेस्टाइन में रेक्टम होता है एंड में, ठीक है, इंटेस्टाइन में एंड में क्या होता है कि रेक्टम होता है इसका। और फिर वर्टिकल, इसमें वर्टिकल जो टर्मिनल पोर्शन है ना, टर्मिनल और सब टर्मिनल में फीमेल्स में क्या होता है, कॉल वो होता है, एनस होता है, ठीक है, फीमेल में वर्टिकल में एनस, ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इजीली, ठीक है, वर्टिकल साइड में ये एनस देखने के लिए मिल रहा होगा। और कॉलका इन मेल्स, मेल्स में क्या होता है, मेल्स में कॉलका होता है, ठीक है। और ये बरसा भी प्रेजेंट है, बरसा ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। और जो सेक्स आर यूजुअली सेपरेटेड, जो ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन ये हैं, ये कैसे ये सेपरेट किए जाते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि इनका कैसा होता है, ट्यूबुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इनका। मेल्स का कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है, मेल्स हमेशा छोटा होता है साइज में फीमेल के, ठीक है, फीमेल हमेशा बड़ी साइज में होती है। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें या तो एक या तो दो ओवरी होती है जो कनेक्टिंग होती है एक वेंट्रल सिचुएटेड वल्वा से, ये, ठीक है, ये वो ओवरी है तो ये कनेक्टेड होती है। और इसमें जो मेल होता है, मेल में क्या होता है, मेल में ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और इसमें ना सिंगल ट्यूब से ये फॉर्म्ड होता है, ये सिंगल ट्यूब में होता है ये। और ये कैसा होता है, कभी कभी ये दो ट्यूब्स भी होती है, कभी कभी दो ट्यूब्स भी देखी गई है यहाँ पे, और जो कि ओपन होते हैं डायरेक्टली इनटू कॉलका, जो यहाँ पे ये जो कॉलका है ना, यहाँ पे वो डायरेक्टली ओपन होती है, ठीक है। और जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है इनका, सरकम इसोफेगस इनका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। और तो लॉन्गिट्यूडल नर्व्स वगैरह होता है, और जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है लेकिन सर्कुलेटरी, और जो मैंने जैसे कि आपको बताया ही था ना कि जो सर्कुलेटरी हो गया और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया वो क्या होता है, वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया ये निमाटोड हो गया, ठीक है, अब हमने पढ़ा ये टेल है, इसमें बरसा प्रेजेंट होगा इस टेल में तो मेल है, और नहीं होगा तो फीमेल है। अब वर्मी फॉर्म होता है इसमें, ठीक है, वर्मी फॉर्म होता है, राउंड होता है, क्रॉस सेक्शन, राउंड क्रॉस सेक्शन होता है, कवर्ड होता है तीन लेयर से, ये क्या होता है, ये तीन लेयर से ना कवर्ड होता है, तीन लेयर होते हैं इसमें। और जो ग्रोथ है ना वो क्या होता है इसमें कि हर स्टेज में ना इसमें मोल्टिंग होने लग जाती है, ठीक है, मोल्टिंग होती है कि ये जुवेनाइल स्टेज से फिर एडल्ट स्टेज में जाता है, पहले एग रहता है फिर जुवेनाइल स्टेज में जाता है फिर एडल्ट में जाता है, ठीक है। और यूजुअली जो जुवेनाइल है ना उसमें, इसमें क्या होती है, चार जुवेनाइल स्टेजेस होते हैं, जो निमाटोड है इसमें चार जुवेनाइल स्टेजेस होते हैं, ये मोल्टिंग करता है अपने आप, ठीक है। और जो ओरल ओपनिंग है, जो मैंने आपको बताई थी कि जो ये माउथ है ना इसका जो ओरल ओपनिंग है ये, तो इसमें क्या होता है, इसमें छह लिप्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, क्या होता है, छह लिप्स होते हैं और 16 सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें जिससे वो सेंस करते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर 16 प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये इतने यूनिक एक सिफेलिक सेंस ऑर्गन होता है जिसको हम एम्फाइड्स बोलते हैं, एम्फाइड्स बोलते हैं, जिसमें एक ना सिफेलिक सेंस ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है, जो सेंस ऑर्गन होता है इसमें निमाटोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि निमाटोड में जो सेंस ऑर्गन है तो वो कैसा है, तो सिफेलिक सेंस ऑर्गन है जिसको हम एम्फाइड्स बोलते हैं, एम्फाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वन है जो बॉडी है इसकी, बॉडी कैसी होती है वो कंटेन करती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, जो कनेक्टेड होती है लॉन्गिट्यूडनली नर्व कॉर्ड के साथ और प्रोसेस करती है एक्सटेंड करने के लिए, मतलब जो मसल्स है ना मसल को वो एक्सटेंड करती है, ठीक है, कि मसल को जैसे क्या करती है एक्सटेंड करने के लिए, खिंचाव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। इसमें ना एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जो कि बहुत ही यूनिक होता है, जो कंटेन करता है ग्लैंड सेल। एक्सक्रेटरी सिस्टम में ना ग्लैंड सेल होता है, एक ये सेट है कलेक्टिंग ट्यूब्स का, बहुत सारे जो ट्यूब मैंने आपको बताया था कि ट्यूब से ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टिंग ट्यूब होता है इसमें। और इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व कॉर्ड है ना वो कैसा होता है, वो थिक होता है, थिक होता है हाइपोडर्मिस से, ठीक है। इसमें क्या होता है ये सकिंग करता है, ये ठीक है सक करता है, मैंने आपको बताया था कि स्टाइलेट इसमें प्रेजेंट होता है, तो स्टाइलेट कैसा होता है एकदम पॉइंटेड होता है, लंबा सा लॉन्ग होता है, तो ये क्या करता है फूड मटेरियल को सक करता है प्लांट पार्ट से, ठीक है, इसलिए इसको प्लांट पैरासाइट नेमेटोड बोला जाता है। और जी अब ये सक करता है किससे करता है, ये पियर्स करता है प्लांट को, जो ये छेद करता है किससे करता है स्टाइलेट से, मैंने आपको बताया। अब स्टाइलेट तीन टाइप के स्टाइलेट होते हैं इसमें, तो पहला होता है सोमैटो स्टाइलेट। सोमैटो स्टाइलेट में क्या होता है, ये एक्सियल इसका होलोस्फीयर होता है, ठीक है, और ये टैलेंकेडा और एफिलेंकेडा में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है ओडोंटो स्टाइलेट। तो ओडोंटो स्टाइलेट होता है वो डोरिलेमिडा में प्रेजेंट होता है ओडोंटो स्टाइलेट, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑनकियोइड स्टाइलेट होता है जो सॉलिड होता है स्टाइलेट, ठीक है, ये कहाँ होता है ट्राइकोडोरिडा में प्रेजेंट होता है, ये वाला जो स्टाइलेट है वो ट्राइकोडोरिडा में प्रेजेंट होता है, ये सॉलिड होता है ये वाला स्टाइलेट, ठीक है। और जो स्टोमेटो स्टाइलेट है वो एक्सियल होता है, होलो होता है ऊपर से, मतलब इसमें होलो फॉर्मेशन में स्टाइलेट होता है। और जो डोरिलेमिडा स्टाइलेट है वो एकदम पॉइंटेड स्टाइलेट है, ठीक है। अब इसमें जेनेरा की बात करते हैं, जो बहुत ही कॉमन है प्लांट में, जो कॉज करता है पैरासिटिक निमेटोड को, मोस्ट कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट जेनेरा है सिस्ट निमेटोड का, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबोडेरा स्पीसीज और हेटेरोडेरा स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज है ये पोटैटो पे कॉज करती है, ठीक है, ये जो जेनेरा है ग्लोबोडेरा और हेटेरोडेरा सिस्ट निमेटोड के, ये किस में कॉज करती है, ये कॉज करती है पोटैटो में। फिर डैगर निमेटोड को हम क्या बोलते हैं ज़िफिनिमा, ठीक है, डैगर निमेटोड को हम बोलते हैं ज़िफिनिमा निमेटोड, इसका मैंने आपको बताया था जो स्टाइलेट होता है बहुत ही लॉन्ग होता है। नेक्स्ट वन है फोलियर निमेटोड। तो जो ये फोलियर निमेटोड है ये कैसा है, एफलेंकॉइड स्पीसीज का है, एफलेंकॉइड इसका जेनेरा है। तो ये फोलियर जो लीव्स वगैरह होती है ना, फोलियर पार्ट जो होता है प्लांट का, उसमें ये कॉज करता है एफलेंकॉइड से ना, फोलियर पार्ट में कॉज करता है। लांस निमेटोड होपुलोलैमस, होपुलोलैमस जेनेरा कॉज करता है लांस निमेटोड बोला जाता है इसको। लीजन निमेटोड जो लीजन में कॉज करता है प्रेटिलेंकस स्पीसीज, मैंने आपको बताया था कॉफी में कॉज करता है प्रेटिलेंकस स्पीसीज। तो ये साउथ इंडिया में जो कॉफी होती है, कॉफी ग्रोइंग स्टेट जो कर्नाटका है केरला है, तो यहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा कॉज करता है ये प्लेटिलेंकस की, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब समस्या है जो लीजन निमेटोड बोलते हैं जिसको। नीडल निमेटोड लॉन्जीडोरस, नीडल निमेटोड बोला जाता है लॉन्जीडोरस को, नीडल लाइक होता है ये निमेटोड। पिन निमेटोड प्लेटिलेंकस को ही, स्पीसीज को ही पिन निमेटोड भी बोला जाता है। रेनिफॉर्मी निमेटोड, तो रेनिफॉर्मी निमेटोड क्या होता है, रोटिलेंकस स्पीसीज होता है रेनिफॉर्मी निमेटोड। रिंग निमेटोड क्रिकिनिमोइन भी होता है इसमें स्पीसीज, वो कॉज करता है। और इसमें क्या होता है, इसकी क्यूटिकल की वजह से हम इसे इसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इसकी क्यूटिकल्स में राउंड तो क्यूटिकल कैसा होता है, राउंड क्यूटिकल होता है, तो उसकी वजह से हम इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। रूट नॉट निमेटोड जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वेजिटेबल को लार्ज अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं मेलेडोगाइनी स्पीसीज। जो मेलेडोगाइनी होती है ना, मेलेडोगाइनी जेनेरा, वो सबसे ज्यादा कॉज करता है। शीट निमेटोड हेमीसाइक्लिफोरा स्पीसीज कॉज करता है शीट में निमेटोड। स्पाइरल निमेटोड है हेलिको
कॉटिलेंकस स्पीसीज, ये गोल सा फॉर्म होता है, स्टिंग नेमाटोड, बेलेनोलैमियस, बेलेनोलैमस स्पीसीज कॉज करता है, बेलेनोलैमस, स्टबी रूट नेमाटोड, पैराट्राइकोडस, ठीक है, पैराट्राइकोडस कॉज करता है स्पीसीज, एंड ट्राइकोडस स्पीसीज कॉज करता है, स्टंट नेमाटोड, टैलाइन कॉरिकस स्पीसीज, स्टंट नेमाटोड, टैलाइन कॉरिकस स्पीसीज. नेक्स्ट वन है, नाउ वी विल सी द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे निमाटोड की, जिस निमाटोड की बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, साइज, सब कुछ हम देखेंगे कि निमाटोड की मॉर्फोलॉजी किस तरीके से एंटोनॉमी और जो मॉर्फोलॉजी है किस तरीके से डिवाइडेड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, निमाटोड, तो जो बॉडी है ना निमाटोड का, निमाटोड का बहुत सारा वेरिएशन ना शो करता है, चाहे वो एक्सटर्नली बोलो, ठीक है, एक्सटर्नली ऑर्गन में या वो इंटरनली ऑर्गन में, ठीक है, वो बहुत सारा वेरिएशन शो करता है. जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो निमाटोड के होते हैं ना वो वेरी करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वो एक जैसा नहीं होते, स्ट्रक्चर सुनके वेरी करते हैं निमाटोड्स के. और इसका जो जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर के बेस पे ही हमने बेसिकली जो स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम निमाटोड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अगर निमाटोड का, जैसे जो प्लांट पैरासाइटिक निमाटोड है, ठीक है, तो प्लांट पैरासाइटिक निमाटोड है तो वो कैसा होता है, वो होता है स्लेंडर, इलांगेटेड, स्पिंडल शेप का होता है, फ्यूजी फॉर्म ऑर्गेनिज्म टाइप का होता है, ठीक है. और जो मेजॉरिटी जो स्पीसीज है ना उनमें पाया गया है कि जो दोनों सेक्स है ना वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, दोनों सेक्स है, सॉरी, वो जो दोनों सेक्स है वो कैसा होता है, तो जो दोनों सेक्स है ना वो कैसे होते हैं, वो एक जैसे दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है. तो अब वो एक जैसे है दिखने में, तो इससे क्या होता है, एक जैसे है दिखने में, लेकिन कभी कभी ऑल दो ये भी देखा गया है कि जो मेल है ना वो जनरली कैसा होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, और फीमेल कैसी होती है, वो लॉन्ग होती है, बड़ी होती है साइज में, ठीक है. अब क्या होता है कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो वहाँ पे क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को ऑकर करते हैं, जैसे टैलेंकिडा, ठीक है, टैलेंकिडा है, इससे क्या होता है जो फीमेल है ना वो कैसी हो जाती है, वो स्वेलन हो जाती है, वो काफ़ी फुली हुई होती है. और जो मेल होता है वो कैसा होता है, वो वर्मी फॉर्म का होता है जो मेल, ठीक है, उसी स्पीसीज में, एक उसी मतलब टैलेंकस जो स्पीसीज है उसी स्पीसीज के अंदर मेल या फीमेल होती है, वो स्वेलन होती है, फुली हुई होती है, और मेल होता है वो वर्मी फॉर्म में होता है, ठीक है. जैसे कि और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि आप देखो एग्यूलेना में, मेलिडोगाइनी में, हेट्रोडेरा और रोटिलेंकस, टैलेंकस एक्सेट्रा, ठीक है. तो इनमें क्या होता है, जो साइज होती है ना वो वेरी करती है 0.2 mm से, 0.2 mm रेटिलेंकस में देखेंगे से 12 mm तक, पैरा लॉन्जिडोरस में देखेंगे. तो इसमें क्या होता है, इसे बहुत सारा रेंज वेरी करता है, 0.01 से 0.05 रेंज तक इसमें विड्थ वेरी करेगा. और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जो जो बॉडी है ना वो less than 1% से भी कम इसका लेंथ होता है, ठीक है, बॉडी में जो विड्थ है ना वो less than 1% से भी कम होता है. जैसे हम और कहीं कहीं ये भी देखा कि 15% से ज़्यादा भी होता है, जैसे क्रिकोनिमोई हो गया, इसमें हम इजीली देखने के लिए हमें मिल जाता है. और साथ साथ ये ना फ्री लिविंग है, ठीक है, कैसे होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ये नॉन पैरासाइटिक निमाटोड्स होते हैं जो जनरली लार्ज होते हैं. और लार्जेस्ट एनिमल पैरासाइटिक निमाटोड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो काफ़ी वो होते हैं जो बहुत मतलब जो एनिमल्स में जो कॉज करते हैं ना, जो एनिमल्स में कॉज करते हैं जो निमाटिसाइड्स, एनिमल पैरासाइटिक निमाटिसाइड, उनका जो साइज है ना वो काफ़ी होता है, ठीक है, उनका साइज बहुत होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उनका मीटर्स में होते हैं जैसे साइज ना, कभी कभी देखा भी गया है, जैसे कि बेल फिश है ना उसमें 27 मीटर तक जो निमाटोड है ना वो पाया गया है, 27 फिट लॉन्ग तक होता है उसमें, ठीक है. अब देखते हैं हम बॉडी पॉस्चर, तो ये निमाटोड है ना, इसकी जो बॉडी पॉस्चर है ये है निमाटोड,
ठीक है, इसकी बॉडी टेक्सचर के बारे में अब हम देखेंगे कि जो निमेटोड है ये जेंटली ये कैसे कर, ये कैसे होता है कि हीट में या आइदर हीट अगर उसको वो करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है किसमें, टेटिलैंकस में। अगर हम इसे हीट में रिलैक्स करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, जब ये रिलैक्स रहता है तो ये कैसा होता है, ये स्ट्रेट रहता है टेटिलैंकस में और स्लाइटली वेंट्रल हो जाता है, कर्व टाइप का हो जाता है होप्लोलैमस में, जो होप्लोलैमस होते हैं ना उसमें कर्व स्लाइटली कर्व टाइप का हो जाता है और सी शेप का हो जाता है, वो किसमें होता है सी शेप का, वो हो जाता है डॉर्सलम में, ठीक है। डॉर्सलम में एक्चुअली सी शेप्स का ना हमें टैलेंकोरिकस में भी देखने के लिए मिलता है, जो सी शेप होता है वो टैलेंकोरिकस में देखने के लिए मिल जाता है हमें, और स्पाइरल शेप में भी हो जाता है, स्पाइरल शेप में किसमें मिलता है हेलिकोटिलेंकस में देखने के लिए मिल जाएगा हमें, और जो कर्वेचर है ना बॉडी का वो ऑलवेज कैसा होगा, हमेशा कर्वेचर कैसा होगा, वेंट्रल साइड में होगा, जो बॉडी का इनका कर्वेचर है ना वो हमेशा वेंट्रल साइड में होगा, लेकिन लेकिन एक्सेप्ट डॉर्सला, जो डॉर्सला है ना इसमें क्या होता है कि जो कर्व सी शेप का है ना ये डॉर्सल साइड में होता है, बाकी सब में वेंट्रल साइड में होगा, इनका बॉडी का जो कर्वेचर है वो कैसा होगा, वो वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है। लेकिन डॉर्सला में क्या होता है, डॉर्सला में वो डॉर्सल साइड में होता है, इसलिए उसका नाम डॉर्सला है। अब देखते हैं सेगमेंटेशन, तो जो सेगमेंटेशन है वो कैसे होते हैं, सेगमेंटेशन कलरेशन और सिमेट्री देखेंगे हम। बॉडी क्या होती है, बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होती है, इंटरनली इसमें कोई मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होती है, लेकिन जो अपीयरेंस होता है ना सेगमेंटेशन का निमेटोड में, कुछ निमेटोड्स में जैसे कि उसमें क्यूटिकल से मतलब क्यूटिकल जो उनकी होती है ना उससे उसको सेगमेंटेशन मिलता है, जैसे ट्रिकोनिमा, मैंने आपको बताया था ये जो ट्रिकोनिमा है ना ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे ही ना सेगमेंटेशन हो गए, ये देखो ये सेगमेंटेशन दिख रहे हैं, ये अलग अलग सेगमेंटेशन, कितने सारे सेगमेंटेशन जैसे कि हमें अर्थफॉर्म में देखने के लिए मिलता है ना, ये है सेगमेंटेशन। तो ये सिर्फ ऐसे सेगमेंटेशन ना सिर्फ और सिर्फ क्रिकोनिमोई निमेटोड्स में ही देखने के लिए मिलते हैं, और जैसे ये था ये वाला जो निमेटोड है, इस टाइप के निमेटोड्स बेसिकली सारे निमेटोड्स इस शेप में होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे भी सेगमेंटेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो यहाँ कितना सारा सेगमेंटेशन दिख रहा है आपको, सब ये पूरी बॉडी इसकी सेगमेंटेड है, तो ये क्या होती है क्यूटिकल्स होती है ना, तो ये ऐसे ये देखो ये सेगमेंटेशन, तो इसमें सेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है। और जनरली ये जो निमेटोड्स कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनमें ना इनमें कलर्स नहीं होता है, व्हाइटिश कलर के होते हैं, स्लाइटली येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है ये निमेटोड। और ये डिपेंड करता है कि आप क्या केमिकल कंपोजिशन ले रहे हो है उनके क्रिटिकल को देखने के लिए, तो वो उनमें उसको डिपेंड करता है। और बेसिकली ये क्या होता है, जो ये निमेटोड्स है ना ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं निमेटोड्स, बेसिकली ये निमेटोड्स जो होते हैं वो बायोलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर बायोलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, अगर आप उसे कट करते हो ना तो वो दो इक्वल प्लेन हाफ में ही कट हो जाएंगे, ठीक है दो इक्वल हाफ में, जैसे मिरर के जैसा, जैसे हम मिरर में इमेजेस देखते हैं ना दो इक्वल पार्टों में, उस तरीके का। लेकिन ये रेडायल सिमेट्री पाया जाता है जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन यानी जो ये अपर वाला जो ये ऊपर का जो रीजन है ना एंटीरियर रीजन, यहाँ पे हमने ये पाया गया है कि रेडियल सिमेट्रिकल पाया गया है, ठीक है। वेयर एज जो इंटेस्टाइन और एक्सिलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब कैसे है कि एसिमेट्रिक है, यहाँ पे इनका जो जो इंटेस्टाइन है प्रेजेंट, एक्सिलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट है इसमें है ना, तो ये सारे कैसे करते हैं, ये एसिमेट्रिक होता है, आप इनको कट करोगे तो इक्वल जैसे पार्ट हुए यही कट होगा, ठीक है तो ये एसिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट वन बॉडी देखेंगे, अब निमेटोड की बॉडी के बारे में हम देखेंगे, तो बॉडी क्या है, सब डिवीजन है इनकी बॉडी का, ठीक है एंटीरियर रीजन में और पोस्टीरियर रीजन्स में। तो एंटीरियर रीजन्स में हम इसे देखेंगे और क्या देखेंगे, और पोस्टीरियर रीजन्स में जो बॉडी होती है निमेटोड की, ये होती है एंटीरियर रीजन्स
ये होती है पोस्टीरियर रिजल्ट्स। तो जो एंटीरियर रिजल्ट्स है ना बॉडी में, तो निमेटोड निमेटोड एक्चुअली क्या होता है कि ये एक ना डेफिनेट जो बॉडी है इसकी विजिबल नहीं करती है, ठीक है, डेफिनेट रीजन जो है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इसी वजह से इसमें कुछ डिविजन्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है निमेटोड को ना, कुछ डिविजन्स में, और जो कि ज़्यादा मतलब इसमें जो एंटीरियर पार्ट है इसका बॉडी का वो कैसा होता है, एंटीरियर जो पार्ट है ना जो निमेटोड का, तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है माउथ, ठीक है, यहाँ पे होता है माउथ, फिर ये होता है लिप्स यहाँ पे इसके, फिर स्ट्रोमा होता है उस, और वो वही उसको ही हम बोलते हैं इतने पार्ट को जो जहाँ पे माउथ है, लिप्स है और स्ट्रोमा है ना, इतने पार्ट को हम बोलते हैं हेड, ठीक है। और जो हेड है वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है मेन बॉडी से, इसका हेड ठीक है कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, कंटिन्यूस है विथ मेन बॉडी के साथ। और इसमें क्या होता है कि जो एनस भी, इसमें एनस और कॉका वगैरह है ना, तो कॉलका जो उसमें होता है मेल में होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट में, एक्सट्रीमली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेनिस से ये मतलब ये एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, ऐसे होते होते ये पोस्टीरियर पार्ट तक ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनली जो बॉडी है ना, ये चार डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, चार डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है। वो कौन से वो चार डिफरेंट जोन्स, पहला तो है वेंट्रल, जो वेंट्रल साइड है जहाँ पे नेचुरल ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे ये जो ओपनिंग हो रही है ना, इसकी ओपनिंग, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये है, तो ये जो नेचुरल ओपनिंग हो रही है इस साइड पे, जो ये वाला जो साइड है ना, ये साइड हमेशा याद रखना, जहाँ पे नेचुरल ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग हो रही है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल, उस साइड को हम बोलते हैं जहाँ पे नेचुरल ओपनिंग हो रही है उस साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। और जो जो साइड में जो निमेटोड का जो साइड है, जिस साइड में जो अदर साइड है, मतलब ये वाला जो वेंट्रल साइड है जहाँ पे ओपनिंग हो रही है वो है वेंट्रल साइड, ठीक है, ओपनिंग साइड वेंट्रल साइड है, और जहाँ पे नेचुरल ओपनिंग्स वगैरह हो रही है, जैसे एक्सक्रीटरी पोर हो गया आपका, ये एक्सक्रीटरी पोर एनस वगैरह हो गया है ना, कॉलका हो गया यहाँ पे इसका, और मेल में कॉलका हो गया, वल्वा हो गया फीमेल में, ठीक है, तो ये वल्वा वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो अपोजिट साइड होता है ना, इस जो वेंट्रलेटर साइड का जो अपोजिट साइड है वो है डॉर्सल साइड, ठीक है, ये है डॉर्सल साइड। और जो डॉर्सल साइड हुआ, और दो साइड होते हैं वो राइट और लेफ्ट लेटरल साइड होते हैं, ये हुआ नीचे इधर साइड वाला वेंट्रल, जहाँ से ओपनिंग हो रही है नेचुरल ओपनिंग, अपोजिट साइड हो गया डॉर्सल, और जो ऊपर का साइड हो गया, ये जो ऊपर का साइड है और ये जो ऊपर का साइड है, और उसके वही वहां उसके नीचे के साइड, नीचे वाला जो साइड है, तो ये दोनों साइड क्या होते हैं, ये अपर लैटरल और वो मतलब दो साइड के लैटरल होते हैं, ये लेफ्ट साइड लैटरल, राइट साइड लैटरल और लेफ्ट साइड लैटरल, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, राइट साइड लैटरल और लेफ्ट साइड लैटरल। तो अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे। तो बॉडी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी चार पार्टों में डिवाइड होती है, वेंट्रल, लैटरल और डॉर्सल, ठीक है, लैटरल में दो टाइप्स के होते हैं, राइट और लेफ्ट, और वेंट्रल में वेंट्रल होता है, वेंट्रल के अपोजिट में डॉर्सल साइड होता है, ठीक है। अब हेड, हेड और लिप रीजन, तो जो हेड रीजन है ना, हेड रीजन है इसका, तो वो कैसा होता है कि जो निमेटोड है, तो इसका जो ये हेड रीजन है निमेटोड का, तो इस हेड रीजन में क्या होता है कि ये कंसिस्ट करता है, इसमें हेड रीजन में, तो ये जो इसका हेड रीजन है, ठीक है, तो ये है निमेटोड, ये निमेटोड है, इसका ये स्टाइलेट है, ये जो लंबा सा मैंने बताया वो पंचरिंग करने के लिए, ये है इसका हेड रीजन। तो इसमें क्या होता है कि जो लिप है ना, ये इसका, तो ये जो लिप है, ये माउथ है, ये जो लिप्स पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है ना, ये लिप्स है, तो इसमें जो लिप्स है वो क्या होती है, उसको हम हेड बोलते हैं, जो कि ग्रेट वेरिएशंस होता है इनमें, ठीक है, इनमें ग्रेट वेरिएशंस होता है। कुछ कुछ निमेटोड्स में क्या देखा गया कि कम्प्लीटली मर्ज्ड होते हैं बॉडी से, ठीक है,
बॉडी से ये मर्ज होते हैं, पता ही नहीं चलता, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि हेडपार्ट कौन सा है, ठीक है। और कुछ कुछ में ये कैसे होते हैं, ट्रंकेट होते हैं, ठीक है। हेड कैसा होता है, ये प्रोमिनेंटली बॉडी से, ये बॉडी प्रोमिनेंटली, ये बॉडी से तो अटैच होता ही है इसमें, ठीक है। और आप इसको इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जैसे डॉली कॉन्डस जो है ना, डॉली कॉन्डस में आप इजीली देख सकते हो। और जो लिप प्रिजन है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है एक्चुअली, जो इनका जो लिप प्रिजन होता है ना, ये ना स्मूथ होता है, ये ट्रांसवर्सल स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्मूथ होगा और ये ट्रांसवर्सल होगा, स्टेराइटेड होगा ट्रांसवर्सली, और इसमें बहुत सारे एनुअल्स, इसमें ना ट्रांसवर्सल स्ट्रेट फॉर्म प्रेजेंट होगी, इम्पॉर्टेंट होगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसी के बेस पे ये जो एन्यूलेशंस होते हैं ना, इसी के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस जेनेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। एक तो माउथ के बेस पे, फिर उसके बाद जो टेल होती है, टेल के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो है ना ट्रांसवर्सल जो स्ट्रेट है ना, ये लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन होता है, जो फॉर्म करता है एक टेल लाइक अपीयरेंस, ठीक है, एक टाइल लाइक अपीयरेंस फॉर्म करता है, जो टाइल होती है ना उनके जैसा अपीयरेंस फॉर्म करता है लिप रीजन में। लिप रीजन में यहाँ पे एक ना टाइल लाइक अपीयरेंस फॉर्म करता है, जैसे होप्लोलैमस में इजिली देखने के लिए मिलता है, ठीक है, होप्लोलैमस में इजिली देखने के लिए आपको मिल सकता है। ये हेड रीजन है इसका, निमाटोड का। और लिप्स कितने होते हैं, 6 इन द फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेड रीजन में लिप्स, माउथ, लिप्स, स्टाइलेट, ये हेड रीजन के 4, जो हेड रीजन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है, माउथ, हेड, माउथ और लिप्स और ये स्टाइलेट। नेक्स्ट वन है टेल, अब हम टेल देखेंगे। जो टेल है ना उसमें क्या होता है, ये पोस्ट एनल इलॉन्गेशन होता है बॉडी का, ये प्रेजेंट होता है सारे ही स्टेजेस में ना, टेल निमाटोड के प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो या लार्वा हो, ठीक है, तभी में टेल आपको दिखेगा। अब ये टेल क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की टेल होती है, ठीक है, वेरी करती है शेप में, साइज में, और जनरली क्या होती है, सिमिलर होती है दोनों ही सेक्स में, कैसी होती है, टेल्स की सिमिलर होती है, ठीक है। कभी कभी ये भी देखा गया कि जो लार्वा है ना, लार्वा और एडल्ट का जो टेल है ना वो डिफरेंट रहता है, कभी कभी ये भी देखा गया है कि दोनों का टेल एक दूसरे से भिन्न रहता है। और जो टेल है वो कैसा होता है, वो प्रेजेंट होता है लार्वा में, जो टेल है वो प्रेजेंट होता है लार्वा में, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है और या फिर गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है एडल्ट में, जैसे कि हेट्रोडेरा, हेट्रोडेरा में देखने के लिए मिलेगा, कि हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा में भी हम देखने के लिए देख सकते हैं इसको इजीली। और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो प्लाज्मिड, पैपिलाई, पोर, एनाई, बरसा, सीटई या कॉडल ग्लैंड है, ये सारे के सारे ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। और ये फाउंड, ये हमें कहाँ मिलते हैं, टेल में देखने के लिए ये हमें इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और जो टेल होती है ना, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होती है, ये स्विम करने के लिए एक्वाटिक निमेटोड्स को यूजफुल होती है, ये स्विम करने के लिए ये इनको बहुत कारगर, मतलब बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, साबित होती है, ठीक है। और जो इनका ये जो निमेटोड है ना, इसमें इंटेस्टाइन एक्सटेंड होता है टेल तक, ठीक है, इंटेस्टाइन का क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है काफ़ी आगे तक, टेल तक ही एक्सटेंड होता है। और कुछ स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना टेल में, वो यूज होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए ना कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है, पर्पस होते हैं उनके। जैसे कि हम कडाल एल्गे, बरसा देखेंगे, जेनेटल पेपिलाई देखेंगे, जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव की एक्टिविटीज जो होती है ना, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज, उसमें ये हेल्प करता है। और जो टर्मिनल जो एंड होता है ना टेल का, वो कैसा होता है, वो वेरिएबल करता है, ठीक है। जैसे टैलेंकिडा है ना, इसमें क्या होता है, ये फिली फॉर्म का होता है, टैलेंकिडा में इसमें फिली फॉर्म का होता है, और इलॉन्गेटेड होता है, वेंट्रल होता है, लेटरली हुक टाइप का होता है, शॉर्ट होता है, ब्लंट होता है,
सेमी स्फेरॉइड होता है, क्लेवर टाइप्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, ठीक है। और जो टेल है, मेजरली टेल में ना बहुत सारे आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है ना वो प्रेजेंट आराम से आपको टेल में दिखेंगे। पटल ग्लैंड्स वगैरह इसमें टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेल डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह टेल में प्रेजेंट होते हैं। और जो टेल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेल का यूज़ क्या है। टेल का यूज़ है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है ये एक, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा स्विमिंग करने के लिए। एक्वाटिक जो निमाटोड्स है उनको इजीली, उनको ना जो स्विम करने के लिए ये हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अभी देखी थी कि टेल हर स्टेजेस में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि लार्वा स्टेज में प्रेजेंट ही नहीं है, टेल लार्वा स्टेज में भी टेल प्रेजेंट है। लार्वा और मेल फीमेल और लार्वा ये तीनों ही स्टेजेस में ना टेल प्रेजेंट है। सिर्फ जो टेल है वो रिड्यूस हो जाती है साइज में, किसमें, हेटरोडेरा और ग्लोबोडेरा जो सिस्टमैटोड है ना उसमें ये साइज में रिड्यूस हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होटरोडेरा और हेटरोडेरा और ग्लोबोडेरा में जो ये है ये साइज में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो लार्वा है ना एडल्ट का, ये डिफरेंट होता है, मतलब लार्वा एडल्ट और लार्वा का जो टेल्स है ना वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, कभी कभी देखा गया है, ठीक है। हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन हाँ कभी कभी हम ये देख लेते हैं, कभी कभी हम लोगों को ये देखने के लिए मिल जाता है। और जो टेल होता है ये क्या होता है, ये पोस्ट एनल इलोंगेशन होता है बॉडी का, ठीक है। टेल क्या होती है, पोस्ट एनल इलोंगेशन होती है बॉडी की, जो प्रेजेंट होता है निमाटोड में, ठीक है। सारे ही स्टेजेस में निमाटोड के इसमें ये प्रेजेंट होता है। और जो बरसा है हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बरसा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मेल में देखने के लिए मिलेगा। इसी के जो बरसा है ना, बरसा की वजह से ना हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि बरसा भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको जो निमाटोड को मेल और फीमेल निमाटोड में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी का आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आगे निमाटोलॉजी के और फर्दर। थैंक यू सो मच।